केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की 2.0 के दूसरे बजट को पेश कर दिया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से जिस बजट की उम्मीद आम आदमी लगाए बैठा था, उस प्रकार का बजट बिल्कुल भी नहीं आया। बजट से आम आदमी निराश है और इस बजट में आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए कोई भी ठोस प्रावधान नहीं दिख रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया गया और किसानों को लॉलीपॉप दिया गया है। आर्थिक मंदी दूर करने के कोई उपाय नहीं किए गए। बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए, नौकरियां देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और महंगाई रोकने के कोई प्रावधान नहीं किए गए। उत्तराखंड विशेष के लिए तो कोई कार्य नहीं किया, लेकिन देश में इस समय जो कष्ट है उसको भी कम करने में, सिवाय इसके कॉरपोरेट टैक्स माफ़ किया लेकिन कंजम्पशन उनका भी नहीं बढ़ा है। तो इस तरह साफ दिखाई दे रहा है इस बजट के बाद भी कष्ट कम नहीं होगा।